नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पॉइज़न यादृच्छिक चरों को देखा था। हमने यह कहा था कि हम कई भौतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एवं उन भौतिक प्रक्रियाओं का गणितीय रूप देखने के लिए, उन भौतिक प्रक्रियाओं के भौतिक गुणधर्मों को समझने के लिए पॉइज़न यादृच्छिक चरों का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसा पॉइज़न यादृच्छिक चरों का एक प्रयोग उन स्थितियों में होता है जहां कोई एक घटनाक्रम प्रकरण प्रसंग, इसे हम कुछ भी कह सकते हैं, समय में अथवा समय की धारा में कुछ निर्धारित बिंदुओं पर घटित होता है। समय में कुछ निर्धारित बिंदुओं पर घटित होता है। जिस प्रकार यदि हम कहें कि पृथ्वी पर अथवा किसी एक इलाके में भूकंप यादृच्छिक रूप से आते हैं, हम यह नहीं जानते भूकंप कब आएगा, किंतु हम यह देखेंगे कि एक समयावधि में कुछ भूकंप आ जाए, एक समयावधि जैसे 5 साल 10 साल में किसी एक स्थान पर, यह इस बात पर निर्भर करते हुए कि वह स्थान कैसा है भौगोलिक रूप से, उस स्थान की स्थिति क्या है। जिस प्रकार गुवाहाटी में जहाँ से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, हमें वर्ष में 1-2 बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं। आप किसी अन्य स्थान पर होंगे, आपको जहाँ की भौगोलिक स्थिति गुवाहाटी से अलग है, आपको उस स्थान के हिसाब से भूकंप के झटके महसूस होंगे। वैसे अच्छा यही होगा कि आपको भूकंप के झटके महसूस ना हो, किंतु भूकंप के झटके एक भौगोलिक प्रक्रिया है जो कि एक यादृच्छिक भौगोलिक प्रक्रिया है, एवं यह हमें समय में कुछ बिंदुओं पर, यह दिन शून्य है, दिन शून्य के बाद आपको किसी भी दिन भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। इस प्रकार समय की धारा पर भूकंप के झटकों का बंटन एक यादृच्छिक चर है, एवं भूकंप के झटकों को हम एक प्रसंग, एक प्रकरण कह सकते हैं। यह प्रकरण समय में कुछ निश्चित स्थानों पर ही घटित होता है, तो हम भूकंप के झटकों को एक ऐसा प्रकरण मान सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं किसी बैंक अथवा किसी दुकान में आने वाले ग्राहकों की संख्या देखूं, तो एक ग्राहक, मान लीजिए यह सेकंड में दुकान खुलने का समय है, सुबह 9 बजे मान लीजिए, पहला ग्राहक 9:05 पर आया, 9:10, 9:12, इसी प्रकार अलग अलग ग्राहक उस दुकान पर अलग अलग समय पर आएंगे। हम यह देख सकते हैं कि ग्राहकों का आना यादृच्छिक है। इसी प्रकार हम अन्य भौतिक प्रक्रियाओं को भी समझ सकते हैं, किसी अणु का टूटना जैसा हमने पहले कहा था, एवं अन्य कई भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में पॉइज़न यादृच्छिक चरों का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए कि किसी भौतिक प्रक्रिया किसी अचर लैम्डा लिए यह धारणाएं सत्य हैं। एक समय का एक अंतराल जिसकी अवधि h सेकंड है, इसे हम
अवधि एच कहेंगे में केवल एक प्रकरण के घटित होने की था लैम्डा एच जमा ओ एच है। यहाँ लैम्डा एच हम परिभाषित कर चुके हैं, एच परिभाषित कर चुके हैं, लैम्डा परिभाषित कर चुके हैं, तो इस प्रकार लैम्डा एच लैम्डा और एच का गुणनफल है जो हम जानते हैं, सरल है। ओ एच हम कुछ समय में परिभाषित करेंगे, अभी के लिए ओ एच को ऐसे ही रहने दीजिए। एक दो इस समयावधि एच में दो अथवा दो से अधिक प्रकरणों के घटित होने की प्रायिकता OH है। तीन किन्हीं भी पूर्णांकों इंटीजर्स जे एक से जे एन एवं एन अनति व्यापी नॉन ओवरलैपिंग, अनति व्यापी अर्थात नॉन ओवरलैपिंग का अर्थ है जो एक दूसरे के ऊपर ना आए, अनति व्यापी अंतरालों इंटरवल्स, अनतिव्यापी अंतराल को अंग्रेजी में नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल कहा जाता है। यह वह अंतराल हैं समय के अथवा वास्तविक संख्याओं की रेखा के अथवा किसी भी समुच्चय के वह अंतराल हैं जो एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, अथवा वह अंतराल जिनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है, अथवा वह अंतराल जिनका प्रतिच्छेदन शून्य है, जिनका प्रतिच्छेदन एक रिक्त समुच्चय है, यह वह अंतराल हैं। के लिए यदि हम कहें कि घटना ई आई के घटित होने का अर्थ है कि आईवें अंतराल में जे आई प्रसंग घटित हुए हैं एवं घटनाएं आई ई एक ई दो एन अर्थात एक अंतराल में प्रसंग अथवा प्रकरण, क्योंकि हम इसे प्रकरण कह रहे हैं, एक अंतराल में घटित हुए प्रकरणों की संख्या किसी अन्य अंतराल में घटित होने वाले प्रकरणों पर कोई असर नहीं डालते। घटित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं
अब हम OH को परिभाषित करते हैं। OH का अर्थ है एक ऐसा फलन जो इस प्रतिबंध का सीमा H शून्य की ओर OH बटे H बराबर है शून्य, अर्थात यह एक ऐसा फलन है जिसे कि H से भाग करने पर जो फलन प्राप्त होता है वह उसकी शून्य पर सीमा शून्य होगी। जिस प्रकार यदि हम एफ एच बराबर एच वर्ग का उदाहरण लें तब सीमा शून्य, अर्थात एफ एच बराबर एच वर्ग ओ एच है, अथवा एफ एच बराबर एच वर्ग शून्य की ओर एच से तेजी से बढ़ता है। इसे कहने का एक अन्य तरीका यह है। अब हमने जो तीन धारणाएं देखी इनमें पहली दो धारणाओं का अर्थ यह है कि किसी समयावधि एच में एक घटना के होने की प्रायिकता H पर निर्भर करती है, किसी समयावधि H में एक घटना के होने की प्रायिकता H पर निर्भर करती है, जबकि दो अथवा अधिक घटनाओं के होने एक प्रकरण, दो अधिक है, दो अथवा अधिक प्रकरणों के होने की था उस समयावधि के अनुपात में बहुत छोटी है, दो अथवा अधिक प्रकरणों के होने की प्रायिकता समयावधि के अनुपात में बहुत छोटी है। इसका प्रभाव हम देखेंगे। तीसरे धारणा का अर्थ यह है कि जो कि हमने पहले कहा, एक समयावधि में घटित प्रकरण अन्य थियों एक समय अवधि में घटित प्रकरण अन्य समय अवधियों पर प्रभाव नहीं डालते। अब हम सिद्ध करेंगे कि इन धारणाओं को सत्य सत्य मानते हुए एक समयावधि टी में घटित होने वाले वाले प्रकरणों की संख्या क्या
एक पॉइजन यादृच्छिक चर है जिसका मापदंड लैम्डा टी है। हम यह सिद्ध करेंगे। अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अवधि टी का अर्थ है समय का अंतराल शून्य से टी के बीच। यह समुच्चय समय का शून्य से टी के बीच का अंतराल। एवं हमें इस अंतराल में घटित होने वाले कुल प्रकरणों की संख्या NT के प्रायिकता कुल प्रकरणों की संख्या NT के प्रायिकता द्रव्यमान फलनों को ज्ञात करना है। हम यह देखेंगे कि यह प्रायिकता द्रव्यमान फलन एक पॉइजन यादृच्छिक चर है। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं, इसके लिए हम अंतराल शून्य से टी को एन एन अनतिव्यापी में विभक्त को n अनतिव्यापी अंतरालों में विभक्त कर सकते हैं। शून्य टी बटे n, दो टी बटे n, तीन टी बटे n। यह सरल है। अब प्रायिकता द्रव्यमान फलन के लिए हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कुल के प्रकरणों के घटित होने की क्या है। यह ज्ञात करना चाहते हैं कि अंतराल शून्य से टी में कुल के प्रकरणों के घटित होने की प्रायिकता क्या है। अब हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि इस अंतराल शून्य से टी के बीच में कुल के प्रकरणों के घटित होने की प्रायिकता क्या है। अब यह जानने के लिए हम यह करते हैं कि हम प्रायिकता एन टी बराबर के को लिख सकते हैं प्रायिकता एन में से के केवल एक
सिक्के उपद्रालों में केवल एक ही प्रकरण घटित हुआ एवं अन्य कोई अन्य एन माइनस के अंतरालों में कोई प्रकरण घटित नहीं हुआ। इस घटना को हम ए कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी घटना प्रायिकता एक अथवा एक से अधिक अथवा एक से अधिक में दो अथवा दो से अधिक प्रकरण घटित हुए। एक अथवा एक से अधिक अंतरालों में दो अथवा दो से अधिक प्रकरण घटित हुए। इस घटना को हम बी कहते हैं एवं हम यह देखते हैं कि बराबर है प्रायिकता ए जमा प्रायिकता बी। अब हम प्रायिकता ए और प्रायिकता बी की गणना अलग अलग करेंगे। पहले हम प्रायिकता बी को देखते हैं। यह है एक अथवा एक से अधिक दो अथवा दो से अधिक प्रकरण घटित हुए हैं। एक अथवा एक से अधिक अंतरालों में दो अथवा दो से अधिक प्रकरण घटित हुए हैं। यह प्रायिकता निश्चित रूप से इस प्रायिकता से कम है। तो जहाँ हम केवल आईवें प्रकरण की ही बात कर रहे हैं, आई बराबर एक से एन, आईवें उपअंतराल में दो अथवा दो से अधिक घटित हुए। हम यह देख सकते हैं कि जब हम आईवे अंतराल को अलग करेंगे तो उस आईवे अंतराल के हम केवल यह प्रायिकता देख रहे हैं कि उस आईवे अंतराल में क्या हुआ। हम यह प्रायिकता देखते हैं कि आईवे अंतराल में दो से अधिक प्रकरण घटित हुए। अब हम इसे लिखते हैं। हम यह जानते हैं क्योंकि एक अंतराल दूसरे अंतराल से स्वतंत्र है, इसलिए यह बराबर है जोड़ आई एक से एन प्रायिकता आईवें अंतराल में दो अथवा अधिक प्रकरण घटित हुए। आईवें अंतराल में दो अथवा अधिक प्रकरण घटित हुए बराबर है जोड़ एन, क्योंकि एच बराबर है टी बटे एन। यह अब यह बराबर है एन टी बटे एन, एन ओ टी बटे एन बराबर है टी ओ टी बटे एन बटे
टी बटे एन। इसी प्रकार प्रायिकता ए की गणना करने के लिए प्रायिकता के अंतराल में केवल एक प्रकरण घटित हुआ एवं एन माइनस के अंतरालों में कोई प्रकरण घटित नहीं। यह बराबर है एन सी के, जैसा हमने पहले देखा था, एक अंतराल में एक प्रकरण घटित हुआ के अंतराल में कोई प्रकरण घटित नहीं हुआ। एक अंतराल में कोई प्रकरण घटित नहीं हुआ। यह सरल है। इसकी गणना करने हेतु एक अंतराल में कोई प्रकरण घटित होने का अर्थ यह है कि उसमें एक प्रकरण भी घटित नहीं हुआ, उसमें एक से अधिक प्रकरण भी घटित नहीं हुए। अर्थात उस अंतराल में एक प्रकरण घटित नहीं हुआ। उस अंतराल में एक से अधिक प्रकरण घटित नहीं हुए। उस अंतराल में एक से अधिक प्रकरण भी घटित नहीं हुए। यह बराबर है असल में ओ एच कोई भी फलन हो सकता है एवं किसी भी ओ एच की परिभाषा को देखते हुए यह सिद्ध करना बहुत सरल है कि ओ एच का कोई भी रेखकीय समीकरण अथवा ओ एच को मैं यदि यह सरल है एवं ए ओ एच बी ओ एच यह भी ओ एच ही रहेगा। यह हम ओ एच की परिभाषा द्वारा देख सकते हैं सरल रूप से, अथवा हम एक अंतराल में कोई भी प्रकरण घटित ना होने की प्रायिकता को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसके आधार पर हम लिख सकते हैं प्रायिकता ए बराबर है एन चूज के
सकती, इसे मैं पी कह दूं, तो यह एक द्विपदीय चक चर है। यह एक द्विपदीय यादृच्छिक चर है जिसके मापदंड n एवं t बटे n है। एवं जिस प्रकार हमने पॉइज़न यादृच्छिक चरों के लिए सिद्ध किया था, यह इसी प्रकार से यह पहले यह सिद्ध करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब यह बराबर है टी सीमा एन अनंत की ओर, अर्थात यदि एक्स, तब यह बराबर है टी सीमा एक्स शून्य की ओर, ओ एक्स बटे एक्स बराबर है शून्य। इससे यह सिद्ध होता है एवं यह सिद्ध होता है। अब अर्थात यदि हम किसी भी समयावधि को अनंत छोटी छोटी उप अवधियों में तोड़ लें एवं वह भौतिक प्रक्रिया जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पूर्व लिखित धारणाओं का पालन करती है, तब वह प्रक्रिया एक पॉइज़न छिक चर द्वारा समझी जा सकती है। अब हमने पॉइज़न यादृच्छिक चरों को बहुत हद तक समझ लिया है। पॉइज़न यादृच्छिक चरों के विषय में इससे अधिक चर्चा प्रायिकता के ही अन्य कोर्सों में होगी, किंतु यह चर्चा इस कोर्स से आगे की है, तो हम पॉइज़न यादृच्छिक चरों की अपनी चर्चा को यहीं रोकते हैं। अब हम कुछ अन्य असंतत यादृच्छिक चरों के प्रायिकता द्रव्यमान फलन देखेंगे। पहला है गुणोत्तर यादृच्छिक चर अथवा ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। यदि हम एक यादृच्छिक परीक्षण लें जिसमें सफलता की प्रायिकता
प्रायिकता पी है, एवं हम यह परीक्षण तब तक दोहराते हैं जब तक हमें एक सफलता नहीं मिलती। एक्स उन दोहरावों की संख्या है जो हमें सफलता के पूर्व करने हैं। एक्स उन दोहरावों की संख्या जो हमें सफलता के पूर्व करने हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि एक्स एक यादृच्छिक चर है एवं सरल रूप से प्रायिकता एक्स बराबर है के बराबर है एन माइनस एक असफलताएं एवं एक सफलता। यह देखना सरल है कि एक्स बराबर है एन, क्षमा कीजिएगा, प्रायिकता एक्स बराबर है एन बराबर है ये एन एक से अनंत। हमें सफलता के लिए उस परीक्षण को कम से कम एक बार तो दोहराना ही पड़ेगा, अर्थात एन एक से अनंत की ओर जा सकता है। यह गुणोत्तर श्रृंखला का प्रयोग करते हुए सरल। अगला यादृच्छिक चर जो हम देखेंगे वह है ऋणात्मक द्विपदीय यादृच्छिक चर। यदि हम एक गुणोत्तर यादृच्छिक चर को वैसे ही रखें किंतु एक के बदले आर सफलताएं चाहें, आर सफलताओं का अर्थ है यदि हमें एनवें दोहराव पर आरवीं सफलता मिल रही है, तब पहले एन माइनस एक दोहरावों में आर माइनस एक सफलताएं सरल है, अर्थात इस यादृच्छिक चर के तीन मापदंड होंगे पी एन आर। इसे कहा जाता है नेगेटिव अंतिम इसे अति गुणोत्तर यादृच्छिक चर को समझने के लिए मान लीजिए एक हांडी में हम हांडी यह नहीं देख सकते हांडी के अंदर क्या है, एक हांडी में n गेंदे हैं
जिनमें बड़ा एन, जिनमें एम श्वेत एवं काली है। यदि हम इस हांडी से कुल n गेंदें निकालते हैं तब उनमें से गेंदों के होने की प्रायिकता अति गुणोत्तर यादृच्छिक चर हाइपरजोमेट्रिक वेरिएबल द्वारा दी जाती है। इसका प्रायिकता द्रव्यमान फलन कुछ इस प्रकार है। बराबर है यह समझना सरल है एवं यह एक अटि गुणोत्तर यादृच्छिक चर अथवा हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।